नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा BA BSc BCom पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एडमिट कार्ड को किस प्रकार डाउनलोड किया जा सकेगा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा कोटा विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टूडेंट कॉर्नर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। टाइम टेबल को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड मेन एग्ज़ाम 2022 दिए गए लिंक पर क्लिक करके हम एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सेलेक्ट UG PG प्रोफेशनल, यहां से हम सेलेक्ट करना होगा अंडर ग्रेजुएट। इसके पश्चात फैकल्टी या क्लास टाइप को हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आर्ट्स BSc यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, BSc एडिशनल एग्ज़ाम 2022 एंड BSc पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2022। इसी तरह से हम BCom पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2022 यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें मेन एग्ज़ाम फॉर्म नंबर बाई जर्नल डिटेल के माध्यम से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए बॉक्स में फॉर्म नंबर फिल करेंगे, DOB सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले ईयर, इसके पश्चात मंथ और इसके पश्चात डे। इसी तरह से हम बाई जर्नल डिटेल के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ आवेदक का नाम लिखना होगा, इसके पश्चात माता का नाम लिखना होगा, जन्मतिथि सेलेक्ट करेंगे, जिसमें ईयर मंथ और डे। प्रोसीड पर क्लिक करके हम एग्जामिनेशन 2022 के एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहें RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।